अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से गुहार लगाई। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगाई। आंगनबाड़ी महिलाओं ने 1975 से लगभग 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज तक न तो मजदूर और न ही शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाने की स्थिति में नाराजगी जताई। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मानदेय पर जीवन यापन गुजारा नहीं हो पाने की बात कही। इस दौरान धरना में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने अपनी जायज मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसी चीज की नहीं मिलती हम लोगों को, हमारे से काम ही भर लिया जाता है। राशि तो हमको आज तक किसी भी अदर वर्क की मिली ही नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई योजना भी हो, मैतारी बंधन योजना हो, चाहे अभी गर्भवती माताओं को जो हम लाभान्वित करते हैं उनको 5,000-6,000 की राशि दिलाते हैं प्रथम गर्भ होने पर, उसका भी हमको 1 रुपया नहीं मिलता है। और उसका फार्म वगैरह भरना, उसको सबमिट करवाना सब हम ही करके देते हैं। मोबाइल में पोषण ट्रैकर चलाते हैं, लेकिन हमको उसके लिए कोई अलग से आमदनी या पैसा उन लोग नहीं देते। हम अपने से ही सब वो 10,000 के अंदर हम मोबाइल भी चलाते हैं और सारी योजनाओं को क्रियान्वयन भी करते हैं। मोदी सरकार बोलती है मोदी का विकास सबकी गारंटी, हमारी गारंटी, मोदी अपनी गारंटी देते हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की गारंटी ले करके उनको भी आगे बढ़ाएं और उनके लिए भी ऐसा कोई योजना लागू करें कि हम भी अपने परिवार के साथ खुशहाल पूर्वक जीवन बिता करके उनका नाम ले और उनको भी हम वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे कि हाँ हमारे लिए मोदी सरकार ने हमारे लिए ये योजना बनाई है। हमको 5,500 रुपये मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से मात्र 4,500 रुपये मिल रहा है। और केंद्र सरकार से जो 4,500 रुपये मिल रहा है वो विगत 7-8 साल से उतना ही मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अभी कम से कम हम लोग को 21,000 रुपये मोदी सरकार से मिले ताकि हमारा गुजारा हो। और मोदी सरकार सभी को कहते फिरते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, महिला लोग बहुत कहना चाहिए वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तो पीछे ही जो होते जा रहे हैं क्योंकि उतने में हमारा गुजारा, हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता है। और 10,000 रुपये में मैं तो सोचती हूँ कि पूरे घर परिवार को नौकरी मिल गया है। यदि हम कोई काम नहीं करते, मोबाइल में कोई काम नहीं होता है, तो यह सोचते हैं कि नहीं जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे तुम काम करवाओ, मतलब उस 10,000 में हमारे परिवार भी काम करता है। इतना प्रेशर रहता है काम का, ना मोबाइल है, ना नेट है, ना कुछ भी नहीं है। किसी का मोबाइल हैंग हो रहा है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। हमारी मांगे केंद्र सरकार से है और आज हम एक दिन का हड़ताल कर रहे हैं। और केंद्र सरकार सभी कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के वर्कर हैं, पर केंद्र सरकार से आज हम 15 साल हो गया, एक भी रुपये उनके तरफ से मानदेय हमारा बढ़ाया नहीं गया है। पिछली बार हम 43 दिन के हड़ताल किए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार सुन के हमारी मानदेय बढ़ाई थी, पर उतने में 10,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। अभी सामने चुनाव है तो हम माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम पूरी कार्यकर्ताओं की, पूरे देश भर की कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की पीड़ा को सुने और इस महंगाई में हमारी बातों को सुनकर हमारी मानदेय को बढ़ाए। कम से कम हमको 21,000 हमारी मानदेय होना चाहिए और पेंशन ग्रेजुएटी भी है साथ में, तो हम चाहते हैं कि हमको पेंशन ग्रेजुएटी का भी लाभ हमको दे, ये हम सरकार से चाहते हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।